अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब दोस्त। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं जी अरबाज़ भाई का व्लॉग। और अरबाज़ भाई हमें दिखाएंगे नाइट लाइफ ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इनके व्लॉग जो होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, और ये खास तौर पर इन्होंने कहा कि मैंने इतनी सिटी का विजिट किया है, कंट्रीज़ का विजिट किया है, लेकिन बांग्लादेश जो है ना उसकी तो बात ही और है। तो चलिए इनका व्लॉग देखते हैं, उसके बाद करते हैं इसके बाद। प्रवीण, दिस इज फराना, दिस इज फरजाना। यू नो मी भाई, एक बात तो समझ में आ गई, जो भी हो इन लोगों को पीठा बोलते हैं, इसे पीठा और इसे भी पीठा, और ये पहली बार मैं डक खाने वाला हूँ। तो भाई हम यहाँ पर आए हैं डक पार्टी करने के लिए, और कुछ दोस्त डक पार्टी। तो दोस्तों अभी हम आए हैं बांग्लादेश में, यहाँ पर आज हम करने वाले हैं डक पार्टी। डक पार्टी यानी बत्तख वाली पार्टी। यहाँ पर लोग ज्यादातर चिकन नहीं खाते हैं, बत्तख खाते हैं। तो यहाँ पर एक घर है जिसके अंदर आए हैं, और लास्ट ब्लॉग में देखा हुआ हम यहाँ पर मिले थे एक फरजाना मैम से, इनका हम घर देखने वाले हैं अंदर से। उसके बाद आज हम करने वाले हैं डक पार्टी। भाई वीआईपी घर है भाई, मुझे खुद को पता नहीं था। तो अभी हम जा रहे हैं घर के अंदर, ये मैम है, इनसे मिल सकते हो आप फरजाना, और शी इज वेरी डाउन टू अर्थ। और ये इनका घर है अंदर, अभी हम जा रहे हैं और घर देखने वाले हैं। ये इनकी पेंटिंग देखी ना, पेंटिंग का बहुत शौक है, और ये स्पेशली पेंटिंग ही जो है बनाती हैं। और अभी हम चलते हैं घर। सेल्फ पेंटिंग है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू एंड यू आर फ्रेंड? यस, आल्सो देवर। ओके, व्हाट्स योर नेम? फरहाना। फरहाना एंड फरजाना। फरजाना और फरहाना फ्रेंड्स हैं। हां, ओ तो इन दोनों के नाम में जो फर्क है ना, केवल एक वर्ड का, फरजाना एंड फरहाना। नाइस मीटिंग यू, एंड योर हाउस इज सो लवली ना, वेरी गुड। ये देखो भैया, हाउस सुपर। तो भाई मैं अभी आपको यहाँ पेंटिंग आता हूँ। ये है देखो फरजाना, यार इन्होंने बनाई है, कितनी शानदार है। अच्छा, इन्होंने खुद बनाई है। चलो मैं इनकी फ्रेंड से ही मीट कराता हूँ। ओके, यू यू स्पीक हिंदी? यू नो हिंदी? थोड़ा 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 आता है यार। बहुत शानदार शानदार घर है यहाँ पर, देख रहा यार, सारे बड़े बड़े वीआईपी घर। यार इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है। यू आर वेरी पॉपुलर हेयर ना? हाँ, घर भी देख रहे हो यार, बेबी आई पी कॉलोनी है सारी की सारी, ये देखो। तो दोस्तों मैं हूँ सैम, बांग्लादेश में, ढाका में, और देखो मेरे साथ कुछ गेस्ट है। हेलो हेलो, एंड इनसे तो आप मिल चुके हो। दिस इज फरजाना एंड दिस इज फरहाना, एंड न्यू फ्रेंड दिस इज सॉरी नो दिस इज सी इज परवीन एंड सी इज फरहाना, दिस इज फरजाना। यू नो मी, आई एम मोहम्मद अरबाज। तो भाई आज ये सीन है कि हम जो जा रहे हैं ना, यहाँ पर विंटर में एक पार्टी होती है, डक पार्टी, यहाँ की फेमस पार्टी है, तो बहुत फेमस पार्टी होती है, तो वहीं जा रहे हैं। तो भाई यहाँ तो आज ऐसा हिसाब हो गया कि मैं जब वहाँ गया था ना, तो लाइक इंडोनेशिया, तो वहाँ पर डक पार्टी चलती थी, बट मैं अफ्रेड था, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा ट्राई करके देख लेना, मैं चलो ठीक है। तो अभी हम कार में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अभी जो है हम चल रहे हैं बिहार। तो भाई ये यहाँ का ना सबसे पॉज एरिया है वसुंधरा, और भाई देखो ये कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी, दे ऑल आर रिच। और भाई ये मतलब देखो इत्तेफाक, हॉस्पिटैलिटी गुड, सो मच लव एंड अफेक्शन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम बांग्लादेश पीपल। और यहाँ के जो जितने पॉज एरिया है उसमें एक वसुंधरा है, और लाइक गुलशन है जो मैंने आपको दिखाया था, एंड नाउ वी आर गोइंग पूर्वांचल, वहां पर जाए डक पार्टी है, वहीं पर होने वाली है। एंड ओके परवीन मैम, डू यू गो इंडिया? वो सॉरी, आप इंडिया गए कभी? हाँ, आप इंडिया गए? इंडिया गए? इंडिया में कहाँ? कलकत्ता गए। ओके, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। ओके, आप मूवी वगैरह देखते हो इंडिया की? नो, ओके। अच्छा, हिंदी समझ में आती है आपको? हिंदी हिंदी नो नो आती, हिंदी नहीं आती, और हिंदी इंसान नहीं आती, इंग्लिश समझ नहीं आती, काम ही खराब हो गया। ओके, तो भाई ये यहाँ की मेन रोड है, और ये देखिए भाई, ये भाई देखो ब्रिज बन रहा है नया, और ये देखिए इंटरनेशनल कॉन्वेंट सिटी वसुंधरा। तो ये यहाँ का पूरा फोर्स एरिया है, और ये तो भाई जो बन रहा है ना हाईवे, ये बहुत लॉन्ग हाईवे है, ये आप देखिए।
तो अभी ना हम यहाँ कार से उतरे हैं। देखो ये जो जगह है ना, इस जगह का नाम है पूर्वांचल, और ये देखो काफी सारे लोग हैं। और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है कि छोटे छोटे से पंडाल बने होते हैं जहाँ पर डक पार्टी होती है। लोग फैमिली के साथ आते हैं, खाना खाते हैं, जैसे अपने यहाँ रेस्टोरेंट होते हैं ना इसी तरीके से। हाँ, इसे आप रेस्टोरेंट बोल सकते हो। इसी तरह के छोटे छोटे पंडाल होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम आए हैं खाना खाने के लिए, यानी खाना एग्जैक्टली पार्टी के लिए। तो स्पेशली लोग डक पार्टी के लिए यहाँ आते हैं जाड़ों में। तो ये है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है, अगर फीलिंग अलग ही आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर खाना जो बन रहा था वो चूल्हे पर बन रहा है भाई, बिल्कुल देसी स्टाइल में। ये देखो, तो भाई हम यहाँ पर आए हैं डक पार्टी करने के लिए। और कुछ कुछ दोस्त आए हैं, इनसे मिलाने जाता हूँ। ब्रदर, योर नेम? हेलो, माय नेम इज आखिर। आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। एंड योर नेम? या टीटू, आई एम टीटू। टीटू, वेरी पॉपुलर मैन इन इंडिया। हर चौथे बंदे का नाम टीटू। एंड योर नेम? फिरदौस। एंड इनका बताया था मैंने, परवीन मैम ये कह रही है आई लुक लाइक सैफ अली खान। यस यस यस, वाओ वाओ वाओ, हे वाओ। एंड माय ब्रदर, योर नेम? हुदा। एंड आल्सो फरजाना एंड फरहाना, मतलब एक ही वर्ड का अंतर है। तो हम यहाँ खाने वाले हैं डक, बट मैं डक नहीं खाऊंगा। You just take that, that as a test. That is test, test, but test. Is different for like chicken. अच्छा, बहुत अच्छा पीठा है ये। पीठा? पठा, पठा। या हिंदी में पठा। पठा, पठा, पठा। मैं इनका खाना दिखाता हूँ। ये है भाई इनका खाना जो बन रहा है यहाँ पर। ये देखो, देसी खाना बन रहा है भाई। और ये खाना खाने वाले हैं। ये ना भाई को ठंड लग रही है यार। ओ भाई, ये दिस इज चिकन। ये हमारा चिकन आया है, दिस चिकन ना चिकन है। और ये है यहाँ का चीला लेग, चैटू, चापली पीठा, इसका नाम है चापली पीठा, बट मैं इसे अपना चीला कहता हूँ। और दिस, ये रोटी, अच्छा पीठा। भाई एक बात तो समझ में आ गई, जो भी हो इन दोनों को पीठा बोलते हैं, इसे पीठा और इसे भी पीठा। और ये जो है एग्जैक्टली अपने यहाँ जो बोला जाता है, इस तरह से बोला जाता है चीला। ये दिस इज मेड बाय बेसन, चापली पीठा, चापली पीठा एंड नॉर्मल पीठा, चितोई पीठा, ओके चितोई पीठा। और तो भाई ये डक है, और मैं लाइफ में पहली बार डक का टेस्ट करने वाला हूँ कैसा होता है। मुझे चांस मिला था इंडोनेशिया में, बट मैंने किया नहीं था, बट यहाँ देखता हूँ मैं। ये वेरी हार्ड है यार, मुझे इसका टेस्ट ऐसा लग रहा है जैसे अपने चावल की रोटी होती है, बगड़ की रोटी, सेम ऐसा लग रहा है टेस्ट इसका। हाँ, चावल की रोटी है। भाई सेम बगड़ की रोटी, सेम ऐसे होते हैं जैसे अपने यहाँ धान की रोटी होती है ना, जाड़ों में चलती है, स्पेशली विंटर सीजन। अब मैं खाने वाला हूँ, पहले सालन खाता हूँ, सालन खाता हूँ इसका। भाई ये मैं खाने वाला हूँ डक, तो पहली बार मैं डक खाने वाला हूँ, इसका टेस्ट देखने वाला हूँ। आसानी से खा सकता हूँ। गुड, सेम लाइक मुर्गा, सेम लाइक। भाई मुझे लग रहा था कि मुझसे जैसे कैमल तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया था, हॉर्स तक नहीं खाया था। जब मैं वहाँ गया था ना उज्बेकिस्तान, तो मैं हॉर्स मीट चलता है, तो उसकी ना इतनी हीक आती थी, उससे खाया भी नहीं आता। बट हाँ, लेकिन भाई ये जो है ना, ये आप गरम गरम खाओगे तो अच्छा है, क्योंकि जितना ठंडा हो जाएगा ना तो ये हाँ सेम सख्त हो जाएगा, हाँ चावल की रोटी की तरह। तो सेम इनको दोनों का टेस्ट जो है ना बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे बगड़ की रोटी खा रहे हो आप। बट ये डक मुझे अच्छा लगा, तो मैं केवल सालन खा रहा हूँ। तो ये डक है, टेस्ट सही है। तो ये इनका सीजनली फूड है, आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। हालांकि मैंने जो मेरा चिकन में चिकन मंगा लिया था अपना, और ये
तो यू यू आप चिकन चंगेजी इंडिया में चलती है, आप खाते हो चिकन चंगेजी? चिकन चंगेजी नो, नहीं। चिकन नहारी? चिकन नहारी नो। आई हैवंट हैड एनी एनी डिश ऑफ इंडिया? डोसा। डोसा और डोसा इज वेरी पॉपुलर। छोला भटूरा, इडली, टिक्का भटूरा, दाल मखनी, परवीन मैम तुम क्या खाते हो इंडिया में? बीफ टिक्का भटूरा, छोला भटूरा, छोला भटूरा। एंड फरहान मैम आप क्या खाते हो? छोला भटूरा, सब कुछ खाते हो। ओह तो भाई इनका जो कॉमन फूड है वो छोला भटूरा है और मसाला डोसा। मसाला डोसा तो सबका होता ही है क्योंकि ये बेल्ट इधर इधर की है। तो नॉन वेज में अपना जो नॉन वेज है सेम टेस्ट वही है, हो सकता है चिकन चंगेजी का नाम इनके यहाँ कुछ और हो, ये हो सकता है। बाकी टेस्ट बढ़िया यार, डक खाना यार मजा आ जाएगा भाई, बहुत ही शानदार टेस्ट, मजा आ गया। मतलब आज तो लिमिट से भी ज्यादा खाना खा लिया। और यार ये जो रोटी लगी ना बहुत ही शानदार लगी, कैसे लगा? अच्छा 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 वो जी गाइस जी गाइस जी गाइस। तो आज हमने देखा डक पार्टी, बाद भाई ने व्लॉग बनाया इस पे डक पार्टी। और डक आप लोगों ने तो मेरा कल नहीं खाई होगी? नहीं खाई, कभी नहीं खाई, कभी नहीं। मैंने खाई हुई है, सेम लाइक चिकन है। अच्छा, जैसे चिकन होता है ना वैसे की होती है, बट ठीक होती है, टेस्टी। मैंने सुना है कि इसके अंदर अजीब सी स्मेल आती है। नहीं नहीं नहीं, कोई स्मेल नहीं आती इसमें, बड़ा मजेदार ये गोश्त होता है खाने वाला। ग्रेवी के साथ बना हो ना सालन, बड़ा टेस्टी। इसका अंडा तो खाया हुआ है, डक का अंडा खाया हुआ है, लेकिन डक कभी नहीं खाया। मतलब हलाल है लेकिन खा सके, लेकिन हमने ट्राई नहीं कभी किया आज तक ना। आप लोगों ने, हमने किया। लेकिन वो उन्होंने बताया, बास भाई ने बताया कि वहाँ पे जो सर्दियों के सीजन में मोस्टली डक पार्टी होती है, छोटे छोटे से स्टॉल्स लगते हैं जिसके अंदर वो जैसे घर में हंडिया बनाते हैं, वो बनाते हैं, लोग आके खाते हैं, चावल की रोटी और साथ बेसन की रोटी। हाँ, चावल की रोटी वाकई ही गरम गरम ही खाने का मजा आता है, जैसे ठंडी हो जाएगी हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। नहीं, ये काफी मजे की होती है, मैंने दो तीन दिन पहले चावल की रोटी भी हमने खाई हुई है, बेसन की भी खाई हुई, लेकिन डक नहीं आज तक। साग के साथ खाए ना तो वो मकई की रोटी भी खाई। ये देखो ना डक है ना, डक और इसकी ना सेम लाइक है मुर्गाबी, मुर्गाबी भी इसके साथ की होती है डक, पर डक साइज में बड़ी होती है, मुर्गाबी साइज में छोटी होती है। ठीक है, बट ये अगर बत्तख जो उड़ती नहीं है, ठीक है, वो मुर्गाबी उड़ जाती है, उसको शिकार किया था ना, वो बड़ी मजेदार होती है, जबरदस्त मजा आया। तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।